नमस्कार करने वाले युवकों के लिए काफी अच्छी खबर है। जहां बिहार में एक दो नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलने वाली है। आपको बताते चलें कि बिहार में लगातार बहालियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं आपको बताते चलें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी 10,000 की बहाली की घोषणा की गई है। बिहार में 10,000 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है। वे विभाग के आला अधिकारियों के साथ भूमि सर्वे की मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सर्वे खत्म होने के बाद इन्हीं कर्मियों से चकबंदी का काम भी लिया जाएगा। फिलहाल बिहार के 20 जिलों में 89 अंचलों में 4,945 मौजों के भूमि सर्वेक्षण पर काम चल रहा है, जिसके लिए 208 शिविर बनाए गए हैं। इन 4,945 मौजों से 375 मौजों में भूमि सर्वेक्षण पर काम पूरा हो चुका है। यह खतियाना और नक्शा का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। अब तक 1,000 से अधिक मौजे गांव में प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी कहा है कि भूमि सर्वे से पूरे राज्य की राजस्व व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके कारण यह काम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उनके द्वारा हरेक महीने में इस कार्य की प्रगति की समीक्षा खुद की जाएगी। इसमें बेहतर काम करने वाले 5 बंदोबस्त पदाधिकारियों को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सरकार की इस योजना में अड़ंगा लगाने वाले को भी चेतावनी दे दी है। कहा है कि जो इसके दोषी पाए जाएंगे उन्हें काम से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में मंत्री ने सुस्त अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने खराब काम करने वाले को चिन्हित करके दंडित करने का ऐलान किया है। बैठक में कई अधिकारियों के कार्य के लेकर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने विभाग के सचिव भू अभिलेख और परिमाप निदेशक जय सिंह को ऐसे तमाम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दे दिया है। कहा है कि यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं होंगे तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसी क्रम में अररिया के बंदोबस्त पदाधिकारी के कामकाज पर मंत्री भड़क गए। अररिया के बंदोबस्त पदाधिकारियों पर अपने अंदर काम करने वाले और उससे तय मानकों के मुताबिक काम नहीं कर पाने का आरोप लगाया गया है। इस वजह से भूमि सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जिले के अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। अब भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय उन्हें कारण बताओ नोटिस देगा, जिसके जवाब के संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि मंत्री आलोक मेहता ने यह साफ निर्देश दिया है कि जो अपने कार्य को अच्छे से नहीं करेंगे, जो समय पर नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की अगर कोई आनाकानी करेंगे उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, उन पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि इस विभाग में अब 10,000 से ज्यादा जो है नियुक्तियां होने वाली हैं। वहीं आलोक मेहता ने पूरी जानकारी कल विशेष रूप से दी और हमने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल भी बता दिया है। फिलहाल क्लस खबर में इतना ही, और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।